हेलो दोस्तों, नमस्कार। और मैं यहाँ अपने गांव में हूँ और ये जो है यहाँ पर जो है बंजारे, जिनको वन गुजर भी कहा जाता है, वो अपने आज का उनका ठिकाना हमारे गांव में है और ये उनके मुखिया है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? नूर जमाल। नूर जमाल। और आपकी ये सब भैंसे जो है ये आपकी है सारी? कितनी भैंसे होंगी सर आपके पास जो है? 70 के करीब इनके पास भैंसे हैं यहाँ पर। एक ही फैमिली की या बहुत सारे? एक आपकी अपनी एक ही फैमिली? परिवार एक ही। अच्छा, परिवार एक? परिवार ही एक ही। और कितने मेंबर है आपके परिवार में, कितने लोग हैं आप लोग? इतने एक ही है। नहीं नहीं, मर्द कितने आपकी फैमिली में? मर्द हो गए 12, 7-8 हो गए। 7-8 मर्द और औरतें, लेडीज? 7-8 लेडीज। तो ये 70 भैंसे ये लोग संभाल लेते हैं पूरा? तो अभी कहाँ जाना है आपको? शासपुर। शासपुर। तो वहाँ पर जो है हर साल आप वहाँ जाते हो सर्दियों में, और फिर गर्मियों में कहाँ जाते हो आप लोग? गर्मियों में टिमली के जंगल में। टिमगिरी के? और टिमली टिमली के जंगलों में। टिमली कहाँ पड़ता है? टिमली यहाँ पड़ता है सहारनपुर रोड में। सहारनपुर रोड में जो है दर से उड़े। अच्छा, तो वहाँ आपकी जमीनें वगैरह है, आप खेती वगैरह भी करते हो? जमीन कुछ नहीं, थोड़ी थोड़ी ली। सरकार ने आपको कोई मदद की? कोई मदद नहीं करी अभी तक। कोई मदद नहीं, बल्कि ऊपर के हमारे परमिट भी बनते हैं शासपुर। शासपुर के आपके परमिट? तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। दिक्कत करते हैं। फिर आप कैसे करते हैं वहाँ पे, उनको कुछ देते हैं आप? कुछ नहीं देते। अच्छा, देते कुछ नहीं, ऐसे ही। अच्छा ठीक है, इसी तरह से जो है। तो नूर जमाल जी, आपकी जो है और कौन कौन से जानवर है? बकरियां दिख रही है यहाँ पे, बकरियां भी हैं? कितनी बकरियां हैं भाई आपके सामने जो है? ये 20-25 होंगी ना? 20-25। आपका क्या नाम है? मेरा नाम काशम। काशम। अच्छा, तो आप लोगों में से कोई पढ़ा लिखा भी है? नहीं, पढ़ा लिखा नहीं, पढ़ा हुआ कोई नहीं। तो आप ये बच्चों को जो है कोई स्कूल वगैरह भी नहीं दे? भेजते हैं, जो कुछ छूटे हैं जो जाने वाले तो पढ़े थोड़े बहुत। तो फिर जो आप पढ़े लिखे हैं? नहीं नहीं। तो आपको हिसाब किताब करने में दिक्कत नहीं होती? कर लेते थोड़ा अपना कर लेते थोड़ा बहुत हिसाब किताब। लिखना उर्दू पढ़ लेते हो आप? नहीं, थोड़ी हिंदी कर लेते। हिंदी कर लेते हैं। तो मदरसा में भी आप शिक्षा नहीं देते? मदरसा में भी? मदरसे में हम चलते फिरते थोड़ा बहुत रहते हैं नीचे ऊपर, उसी वजह से हमारा ये। तो आप लोग जो है ये नमाज अदायगी करते हैं? हाँ, हाँ। तो वो शिक्षा कौन देता है आप लोगों को जो है? वो तो खुद करना पड़ता है। मौलवी रखते हैं साथ में, वो बताते रहते हैं, बच्चों को सिखाते हैं। बच्चों को सिखाते हैं। और लेकिन पढ़ाई लिखाई नहीं करते? तो कुरान की आयतें भी नहीं पढ़ सकते आप लोग? पढ़ लेते हैं। उर्दू पढ़ लेते हैं आप? उर्दू थोड़ा अरबी पढ़ लेते हैं। अच्छा, तो अभी बच्चे कितने हैं आपके साथ जो अभी बच्चे हैं? किसी के 3 है, किसी के 4 है, किसी के 2 है, किसी के 1 है। ओके। और आपका जो है खाना पीना जो है हर ठिकाने में जो है? हाँ भाई, ऐसे ही जैसा यहाँ हो रहा है ऐसे ही। और जो है आपको नुकसान भी होता है आपको भैंसे वगैरह? बहुत नुकसान होता है रास्ते में। छोटे बच्चे थक जाते हैं, बैठ जाते हैं, कोई गिर जाता है रास्ते में। अच्छा। और फिर वहाँ पे दूध और उसका क्या करते हैं, बिजनेस व्यापार में क्या कैसे करते हैं आप? ऊपर सप्लाई करते हैं दूध? कर लेते हैं थोड़ा बहुत अपने ऊपर पर, गांव-गांव में बेच बाज के थोड़ा बहुत करते हैं। और क्या क्या बनाते हैं आप दूध का? कुछ बनाते भी? खोआ बनाते हैं, बल्कि कीमत कुछ नहीं। कीमत नहीं है? क्या कीमत? कुछ भी नहीं। अच्छा, दूध का भाव जो खो के लिए दूध लेके 25-26 रुपये लेते हैं। 25-26 जंगलों में कौन लेता है तो भाव कुछ नहीं, बहुत दूर दूर शहरों से दूर है। अच्छा, तो आपको कभी लगा नहीं ऐसा कि ये काम छोड़ के कुछ दूसरा काम शुरू? छोड़ने दूसरा काम क्या शुरू कर? अच्छा, अगर सरकार आपको मदद करती है, जमीन देती है? जमीन देती तो हम तो तैयार है। कभी सी राड़ियाँ मार रहे सरकार के लिए हमारा को फसाओ फसाओ। तो सरकार क्या बोलती है? देंगे 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 देंगे, पता नहीं कब निकल जाए। चलिए, अभी आपके साथ और भी खेड़े होंगे जो आपके और भी साथ अच्छा, एक चीज आपसे पूछनी थी, आप लोगों को गुज्जर क्यों कहा जाता है, क्यों बोलते हैं? गुज्जरी है आपकी जो है खानदान? गुज्जर। खानदान गुज्जर, कौन गुज्जर? और आपके पूर्वज वगैरह कहाँ के थे? वो यहीं के थे या फिर कहीं? जम्मू में बता दे, कभी जम्मू में पता नहीं कब की बात है। गुर्जर जो है वो गुज्जर। दोस्तों, तो ये थे हमारे साथ नूर जमाल और काशम, जिनके साथ अभी बात करके थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा करी बंजारों के जीवन के ऊपर। तो कैसे गुर्जर जो है इनका, इनकी जो कौम है वो गुर्जर कहलाती है। तो इनका जो पेशा है वो बिल्कुल बंजारों की तरह ही, एक जगह नहीं रुकते हैं,
तो सर्दियों में ये लोग मैदानों की तरफ अपने डेरों को शिफ्ट कर देते हैं और गर्मियों में ये लोग पहाड़ों की तरफ शिफ्ट कर देते हैं। बिल्कुल, आजकल नीचे रहते तो घास पत्ती कुछ नहीं है, चारा चारा वगैरह का इनको दिक्कत होती है, तो इसलिए ये पहाड़ों की तरफ अब मूव कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि इनको बहुत कठिनाइयों का सामना, इनका जीवन इतना आसान नहीं है, ना इनको कोई शिक्षा और ना किसी भी चीज का दूसरा व्यवसाय कर सकते हैं। ये सिर्फ जो है अपने मवेशियों के ऊपर निर्भर है, अपने मवेशियों से जो इनका दूध, खोआ, मावा, जितनी भी चीजें बनती है, वो सिर्फ उसी पर ही अपने व्यवसाय, उसी पर ही इनका व्यवसाय निर्भर है। तो इनके पास लगभग 70-80 की भैंसे हैं, जिनसे कुछ जो है दूध वगैरह देती है, कुछ अभी जो है दूध वगैरह नहीं देती है। तो आप देख सकते हैं, अभी मैं इनको आपको थोड़ा सा लुक दिखाता हूँ। दूध देने वाली थोड़ी है, उसी जाते हैं। कौन सी प्रजाति है भैंसे, कौन सी कोई जाति? ये देखिए यहाँ का इनका बसेरा। महिलाएं जो है वो सब की सब खाना बना रही है, यहाँ पर रोटियां बना रही है अलग अलग। तो ये तीन परिवार या चार परिवार हैं जो खाना बना रहे हैं अपना। और ये बकरियां देख सकते हैं आप यहाँ पर पीछे को, इनके जो है बकरियां हैं। और पीछे यहाँ पर भैंसों के जो बच्चे भी हैं, ये सब लोग बच्चों को जो चारा भी दिया गया है वहाँ पर। तो ये खाना इस प्रकार से यहाँ पर बनाया जा रहा है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है इनके जीवन के अनुभवों के बारे में सीखने को। तो आपका क्या नाम है? इब्राहिम। इब्राहिम जी, ओके दोस्तों, तो नए सिरे के साथ मैं फिर से दोबारा हाजिर होऊंगा आपके सामने कुछ नई सी जानकारी को लेकर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वो आप सभी लोग खुश रहो। भवतु सब्बा मंगलम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।